आने वाले सप्ताह में हम चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो लोकसभा और राज्यसभा में। और आप लोगों को पता है कि आज भी मणिपुर में एक LOC जैसा वातावरण बना हुआ है, जहां पर समाज के दोनों वर्गों के पास हथियार हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए हैं। जिस समय मणिपुर के युवाओं को कॉलेज में शिक्षा लेनी चाहिए, उस समय वो अपने हाथों में AK-47 लेकर अपने परिवारों की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं। और बीच में हमारा भारतीय सेना का नौजवान जो दोनों तरफ से आक्रमण को सहना पड़ रहा है, तो पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई है। लेकिन कुछ अनदेखी कारण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता। उनको मणिपुर में सिर्फ सत्ता दिखती है, और यही साबित करता है कि भाजपा RSS का राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना नकली है। क्योंकि आज मणिपुर में एक मणिपुर राष्ट्र नहीं, दो मणिपुर बन चुके हैं। जो दल वन इंडिया की बात करते हैं, आज उन्होंने दो मणिपुर बना दिए हैं। आज उनको मणिपुर के राष्ट्र की अखंडता के बारे में चिंता नहीं है, तो उनका राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद नहीं, उनका सिर्फ सत्तावाद में विश्वास है। सत्ता के लिए आज उन्होंने मणिपुर राष्ट्र की अखंडता को आज बलि पर चढ़ा दिया है।